नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं एक डिफरेंट स्टाइल का स्नैक बनाने। हमारे यहाँ तो इसको लुनबरिया कहते हैं, और आप क्या क्या कहते हैं ये बताइएगा जरूर, ठीक है। इसे आटे से बनता है। देखिए, हमने इसमें एक कप आटा ले लिया है और पानी से, सिर्फ आटा और पानी। इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के घूमते रहना है। ये स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें मैदा नहीं है। हॉट वाटर पानी डाल के गोलना, नहीं तो उसमें लम्स आ जाएंगे। देखिए, एक कप आटे में इतना पानी गया है हमारा। इसको थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक कि हम अपनी बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ ग्रीन चिली और धनिया, कोरिएंडर और अजवाइन और नमक, सिर्फ ये 4 चीजें पड़ती हैं इसमें एक्स्ट्रा। देखिए, 5 मिनट का रेस्ट हमारे आटे को मिल गया है। अब इसमें हम धनिया और मिर्ची दोनों चीज डाल देंगे। अजवाइन को हम हाथ से क्रश करके, और नमक अपनी अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। हमने तो इतना डाला है। इसको फिर से मिला लेंगे सारी चीजों को अच्छे से। हम इसको हाथ से बनाते हैं। ऐसे पानी लगाया हाथ में, हमारा तेल भी हो ही गया है। ज्यादा एक साथ नहीं डालेंगे वरना वो आपस में चिपकने लगेंगे। अब गैस को फुल ही रखेंगे जब तक ये फूल नहीं जाती है। तब तक हम अपनी चाय चढ़ा देते हैं। ये मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया। लीजिए, हमारी लुनबरिया तैयार हो गई है। देखिए कितनी क्रिस्पी और फूली फूली बनी है, बिना किसी सोडा के और ना ही किसी इनो के, और हेल्दी एंड टेस्टी।
चाय भी हमारी रेडी है और 5 मिनट में हमारा स्नैक रेडी हो चुका है। चलिए इसको एंजॉय करते हैं। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।